को पसंद नहीं है सारे लोग प्रपंचावन करे ना, नहीं ये चीज तो बहुत जरूरी है। ये चीज नहीं होगी ना तो देवता तो रीझ ही गई कुछ भी। अरे भाई शिव महापुराण की कथा कहती है, आहों में असर होगा घर बैठे बुलाने, तुम रूठे रहो बोले हम तुम्हें मना ले। भगवान की कथा कर रही है कि बस इतना जरूर याद रखो पशुपति व्रत में दो चीजों का भान होना चाहिए, एक एक छेद दिए और दूसरा तीन तरह तीन प्रसाद का हिस्सा और उसमें भी दो भगवान को देकर एक ज्यादा उनको देना, नहीं तो अपनी आदत रहती है हमें तो भगवान को थोड़ा ही देगा ज्यादा अपने पास। लड्डू का डब्बा ले गए इतना बड़ा भगवान के लिए निकाल के दे दिए तो बाकी के सब ले गए। यहाँ उल्टा है शिवरत्न में भगवान को कितना देना है दो हिस्सा, अपने को ले जाना कितना है एक हिस्सा और उसमें भी कोई दिखावा नहीं। कई माताएं पूछती है गुरुजी वो पशुपति व्रत में नमक खाए कि नहीं खाए, तुम तो सब खाओ पर प्राण मत मत ना कौन के नहीं मत खाओ बार बार पहले भी कहा एक समय में फलार कर लो फरियाल कर लो तुम्हारी जैसी मर्जी पड़े वैसा करो पर शाम के समय पर भोजन करना है। कब करना है जो भगवान को तुमने भोग लगाया है उसी जो भोग का एक हिस्सा लेकर आए हो पहले भोजन के पहले भोग करना है इसके बाद भोजन करना। अब तुम सवेरे फलार करना हो तुम्हारी मर्जी, नहीं करना हो तुम्हारी मर्जी, ये मन तुम्हारा छोटी सी है।